आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग रूट यानी कि लंबे सफर के लिए कौन सी बाइक सबसे अच्छी है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो के आखिर तक और जानिए वो 10 बाइक कौन सी हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 500X। थंडरबर्ड 500X में आपको 499 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आसानी से 27.57 पीएस और 41.3 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 32 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको सिंगल डिस्क यानी कि फ्रंट टायर में डिस्क मिलता है। बाइक की एक शोरूम कीमत है 2,15,000 रुपये की। बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160। एवेंजर स्ट्रीट 160 में आपको 160 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आसानी से 15 पीएस और 13.5 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 54 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसके साथ साथ सिंगल डिस्क यानी कि फ्रंट टायर में डिस्क और एबीएस ब्रेक भी मिलता है। बाइक की एक शोरूम कीमत है 82,253 रुपये की। सुजुकी इंट्रूडर। इंट्रूडर बाइक में आपको 154.9 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आसानी से 14.8 पीएस और 14 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर और इसके साथ साथ डबल डिस्क यानी कि फ्रंट और रेयर टायर में डिस्क मिलता है। बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,01,000 रुपये से लेकर 1,08,000 रुपये तक की। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 500। क्लासिक 500 में आपको 499 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 27.57 पीएस और 41.3 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 30 से 32 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते। बाइक की एक शोरूम कीमत है 2,02,000 रुपये से लेकर 2,16,000 रुपये तक की। रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 350। थंडरबर्ड 350 में आपको 346 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आसानी से 20 पीएस और 28 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसके साथ साथ डबल डिस्क यानी कि फ्रंट और रेयर टायर में डिस्क मिलता है यानी आगे और पीछे टायर में। बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,56,000 रुपये की। बजाज एवेंजर स्ट्रीट 220। स्ट्रीट 220 में आपको 220 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आसानी से 19 पीएस और 17.5 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 45 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और इसके साथ साथ डबल डिस्क यानी कि फ्रंट और रेयर आगे और पीछे ब्रेक में डिस्क मिलता है। बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,03,000 रुपये की। जावा 42 में आपको 293 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आसानी से 27.37 पीएस और 28 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 37 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और इसके साथ साथ डबल डिस्क यानी कि फ्रंट और रेयर टायर में डिस्क। बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,63,000 रुपये से लेकर 1,72,000 रुपये तक की। रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड 350X। थंडरबर्ड 350X में आपको 346 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 20 पीएस और 28 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 42 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर और इसके साथ साथ डबल डिस्क यानी कि आगे और पिछले ब्रेक में डिस्क मिलते हैं। बाइक की एक शोरूम कीमत 1,64,000 रुपये की। रॉयल इनफील्ड बुलेट 350। बुलेट 350 में आपको 346 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 20 पीएस और 28 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 30 से 40 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं यानी कि ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते। बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,21,000 रुपये से लेकर 1,36,000 रुपये तक की। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। क्लासिक 350 में आपको 346 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 20 पीएस और 28 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। ये बाइक भी 1 लीटर पेट्रोल में 30 से 40 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं। बाइक की एक शोरूम कीमत है
1,45,000 रुपये से लेकर 1,64,000 रुपये तक की। तो ये हैं 10 वो क्रूज़र बाइकें जो आपको लंबे सफ़र के लिए आसानी से ले जा सकती हैं और आप थकोगे नहीं। तो इनमें से आपको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है या आपके हिसाब से कौन सी बाइक होनी चाहिए थी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।